जय श्री राम सभी को। चलिए आज हम बात करते हैं अनंत के व्रत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का ही रूप है अनंत, जिन्होंने 14 लोकों का उद्धार करने के लिए 14 अवतार लिए, 14 रूप धारण किए थे, तभी से ये अनंत का व्रत है वो इनके अवतारों से संबंधित है। पुराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने पांडवों को ये व्रत बताया था, अनंत भगवान का व्रत और पूजन बताया था 14 वर्ष तक करने के लिए, और इसी व्रत के पुण्य के प्रभाव से उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य जो है वो प्राप्त किया। तो किस प्रकार से हम व्रत को करते हैं और कैसे इनका उद्यापन करते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे संपूर्ण से। तो अनंत का व्रत, जो स्त्री अनंत के व्रत का संकल्प लेती है, किसी जो पहले व्रत करते आ रही स्त्री उससे भी हम अनंत प्राप्त कर सकते हैं, या खुद भी अगर हम संकल्प करें तो एक अनंत यानी एक धागा जिसके 14 गांठ लगाई जाती है, या हम चांदी का अनंत भी बनवा सकते हैं, 14 गांठ का धागा अपने पुरुष जो है वो दाहिने हाथ के बांधते हैं और स्त्री है वो बाएं हाथ के बांधती है। ये 14 साल का व्रत होता है और इसका एक बार संकल्प लेने के बाद में बिना नागा यानी कि बिना खंडित किए हुए लगातार 14 साल तक हम ये व्रत करते हैं। तो व्रत की सरल विधि की, संक्षिप्त विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करें, व्रत वाले दिन सुबह स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें और पुष्प आदि प्रसाद जो है फल है वो आप एकत्रित करें और भगवान अनंत का सबसे पहले आप पूजन करें। एक परात लें, उस परात के अंदर मिट्टी से 4 लाइनें बना लें क्रॉस, जिससे 4 खाने बन जाए, और उनके अंदर दूध और पानी डाल दें, उनमें पानी डालें, थोड़ा दूध डाल लें, तो वो हो गई यमुना जी, यानी इसमें भगवान विष्णु के अनंत रूप में पूजा होती है और शेषनाग जी की पूजा होती है, यमुना जी की पूजा होती है, ये 3 पूजा विशेष रूप से होती है, और बाकी साथ में गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, नवग्रह है, षोडश मातृका है, इनका पूजन तो साथ में किया जाता है। तो आप ये पूजन जो है वो ब्राह्मण से करवाएं या खुद करना चाहें तो नाम लेकर के, जैसे श्री गणेशाय नमः उनको ये चीज अर्पित कर दें, यमुनाय नमः अर्पित कर दें और अनंताय नमः चीजें अर्पित कर दें, और श्री शेषनाग जी भ्यो नमः उनको जो वस्तुएं हैं वो खाने पीने की वो सब अर्पित कर दें। जैसे हम क्या क्रम रहता है, पहले जल अर्पण करते हैं, फिर रोली का धागा अर्पण करते हैं वस्त्र के, और उनको वस्त्र उपवस्त्र ये प्रदान करते हैं खाने के लिए, फिर भोजन और लौंग इलायची या पान हम अर्पित करते हैं, उसके बाद फल अर्पित करें और अंत में दक्षिणा अर्पित करें। इस प्रकार कर्म वाइज जो है सबकी आप पूजा करें, और पूजन से पहले आप क्या करें, जो आपने अनंत तैयार किया है वो भगवान के चरणों में रख दें। उस परात में पानी में आप अनंत को डाल सकते हैं, या भगवान के जो चरणों में जहां पर आपने भगवान को जगह दी है, मूर्ति रखी है या सुपारी रखी है भगवान के रूप में, वहां पर आप अनंत को रख दें। भगवान के साथ साथ अनंत की भी पूजा हो जाती है। संपूर्ण पूजन होने के बाद में उस अनंत को बांधा जाता है और फिर भगवान की कथा सुनी जाती है। कुछ लोग जो है कथा सुनने के बाद में धारण करते हैं, तो ये कोई विशेष बात नहीं है, पहले भी धारण कर सकते हैं और कथा के बाद भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि पूजा का मतलब ये होता है वो अभिमंत्रित हो जाता है। खीर पूरी का इसमें भोग बनता है, हलवा बनाएं आप, खीर बनाएं, पूरी बनाएं और इनका भगवान को भोग लगाएं। पूजन करने के बाद में, कथा सुनने के बाद में आप हवन भी करवा सकते हैं और ब्राह्मण भोज करवा करके, आप भोजन करवा करके, और उसमें आप गौओं को भाग भी दें, कुत्तों को भाग भी दें और पक्षियों को भी दें तो भी अच्छा है। वैसे विधान में नहीं लिखा गया, लेकिन सभी का भाग हमें देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बुरे संस्कार हैं उनके वो भाग लेके जाते हैं, गाय है, कुत्ता है, पक्षी है, तो आप ये निकालें, उसके बाद में फिर आप भोजन करें। 14 वर्ष तक इस प्रकार विधि से आप व्रत करके और इस व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन कैसे करें, कुछ लोग 14 वर्षों में साथ साथ ही जो वस्त्र देना होता है वो दे देते हैं, एक एक बर्तन देना होता है वो दे देते हैं, और उद्यापन के वक्त भी 14 वर्षों के निमित्त आप 14 बर्तन या 14 प्रकार के आप 14 वस्त्र दे सकते हैं, 14 फल दे सकते हैं। इस प्रकार यानी कि आपकी गणना जो है 14 वो कंप्लीट हो, उस रूप में आप उनके निमित्त आप कुछ ना कुछ वस्तु अवश्य दें।
भगवान का पूजन करके और हवन करके और ब्राह्मण भोज करवा करके गाय कुत्ते आदि इन सबको आप खिला करके फिर आप भोजन करें। इस प्रकार श्रद्धा से भगवान को आप अर्पित करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हमारा जो 14 वर्ष का किया हुआ व्रत है उसको आप स्वीकार करें, हमारे दान आदि को आप स्वीकार करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आरोग्य प्रदान करें। इस प्रकार से आप क्षमा याचना करके और फिर जो है भगवान को अर्पण कर दें और ब्राह्मण को प्रणाम करके आप दक्षिणा दे दें। इस प्रकार से जो है हमारे 14 वर्षों का अनंत का व्रत है जो वो पूर्ण हो जाता है। और कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम।